नाइस, गुड प्लान। ये लोग बहुत डेंजरस है माइकल। अरे खतरा कहाँ नहीं है रिम? रिम नहीं, नैना का हो, नैना बैनर्जी। और माइकल मुझे खतरे से डर नहीं है। तो? लेकिन ये लोग तो भरोसे के लायक नहीं है माइकल, मुझे इसे निकलना है। देखो मुझे ये तो समझ में आ गया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम यहाँ पहुँची कैसे और रीम से नैना कैसे बने। देखो माइकल, मेरे लिए रीम से नैना बना आसान भी था और मुश्किल भी। मेरे पास अनीता की शक्ल तो थी, लेकिन मैं उसकी बेटी नैना नहीं थी। टिक्की ने अनीता और सतीश का खून किया और फिर जॉन नैना का लॉयर बनकर उसकी हॉस्टल में पहुंच गया उसे लेने। अनीता का इस तरह से सुसाइड करना तो मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ है। जब मैंने ये बात नैना को बताई तो उसे बड़ी तकलीफ हुई। तब से वो रो रही है, अपने पिताजी के पास जाने को भी तैयार नहीं है। आप मुंबई में हैं तो पर्सनली जरा उसका डोंट क्राई नैना। ये हैं तुम्हारी मम्मी के लॉयर श्री राम। इन्हें तुम्हारे पड़ोसी टिक्की ने भेजा है। क्या तुम किसी को पहचानती हो? मैं जानती हूँ। क्या मैं कुछ दिन और आपके साथ यहाँ नहीं रह सकती? नहीं नैना, अब तुम्हें जाना चाहिए और तुम्हारे पिताजी को भी तो तुम्हारी जरूरत है। देखो संभल कर रहना और मुझे खत जरूर लिखना। इसका ध्यान जरूर रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए, नैना जल्दी सही जगह पहुंच जाए। ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? दिक्कत है क्या?
जॉन ने नैना को मार डाला और टिक्की मालेगांव आया। नैना बन गई माइकल, इसीलिए तुम मुझे बिना बताए यहाँ चली आई। माइकल, मुझे लाइफ में पैसे चाहिए थे, बहुत सारे पैसे, कोई भी कीमत पर। अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि हम दोनों अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। माइकल, कैसे? मतलब इन दोनों को मारकर? किसी भी तरह से। अच्छा, एक बात बताओ, और कितने सवाल पूछोगे माइकल? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? कल तक था। ओके फाइन, पूछो जो पूछना है पूछो। क्या उदय को भी पता नहीं चला कि तुम उसकी बेटी नहीं हो? देखो माइकल, उदय ने कभी अपनी बेटी नैना या अनीता के किसी भी रिश्तेदार को कभी देखा नहीं था। जब मैं उनके सामने आई तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी मान लिया, क्योंकि मेरा चेहरा अनीता से बहुत मिलता था। ये कैसे हो सकता है? तुम तो उसकी बेटी नहीं थी। लेकिन अनीता मेरी रिश्तेदार थी माइकल। मतलब ये कि अनीता मेरी बड़ी बहन थी। जब मैं 1.5 साल की थी तब उसने बिना किसी को बताए भागकर उदय से शादी कर ली। उसने सिर्फ घर पर एक खत भेजकर ये बताया। शादी के बाद मेरे पापा ने उसे अपने नाम से अलग कर दिया, फिर वो वापस कभी नहीं आई। अच्छी कहानी है। अनीता ने टिक्की को मेरे बारे में बताया था, वो मेरे पास आया और हम दोनों ने ये प्लान बनाया। इसीलिए उदय ने आसानी से तुम्हें अपनी बेटी मान लिया। हाँ, लेकिन आई नीड योर हेल्प माइकल। माइकल, यू हेल्प मी ना। मुझे उन लोगों से बहुत डर लगता है माइकल, मुझे उन पर भरोसा नहीं है, बहुत खतरनाक है। और माइकल, उदय ने तो मुझे अपनी बेटी भी मान लिया है, यानी उनकी सारी जायदाद हमारी है माइकल। तुम सिर्फ मुझे इन लोगों से बचा लो माइकल। Michael, I need your help. You'll help me now, Michael. Michael? आप लोग हटिए पीछे। प्लीज हटिए पीछे। सर, क्या हुआ? 20-22 साल की लड़की की लाश मिली है। किसने रिपोर्ट किया? सर, उस आदमी ने। बयान दिया उसको? बस वही हो रहा है। क्या हो रहा है? प्लीज 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 जाओ। क्या लगता है किस? सर, किसी ने लड़की का गला घोट दिया और उसे यहाँ दफना दिया, और लड़की के बदन पर कोई खास मार्क्स नहीं। कोई खास सबूत? कुछ खास नहीं सर, बस ये चश्मा मिला है उसके बॉडी पर, लगता है बहुत हाई पावर का है सर। ये वेटिंग फॉर यू ना। पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा हूँ। राइट। अरुण, एक मिनट, इस लाश के फोटोग्राफ लेना, जरा फोटोग्राफ लेना। जैसे ही फोटोग्राफ से आ जाए आज की डेट डालना और कल प्रेस को भिजवा दें। लेकिन सर, मैं तो समझा नहीं। ठीक तरह से मैं भी नहीं समझाऊँ अरुण, मैं अंधेरे में तीर चला रहा हूं। आई होप इट वर्क्स। अरे अरुण, क्या हुआ? बहुत थके हुए नजर आ रहे तुम। नहीं सर, वो कल से जरा पेपर वर्क और रिसर्च चल रहा है तो थोड़ी सी थकान है, बट आई एम ओके सर। कुछ हाथ लगा अरुण? सर, आई थिंक सो। ओके, हेलो। हाँ, दो चाय भेजना मेरे रूम में।
तुम बैठो, तुम्हें चाय की सख्त जरूरत है। थैंक यू सर। और ये चाय मेरी तरफ से। सर अब कहो। सर मुंबई में इतने हाई पावर का चश्मा पहनने वाले लोग बहुत कम हैं, और ये चश्मा बिना मेडिकल सुपरविजन के नहीं बन सकता। इस शहर में तकरीबन 6,700 ऑप्टिशियंस हैं और करीबन 1,500 आई स्पेशलिस्ट। गुड। और इन सब से इंफॉर्मेशन निकालने के बाद ये पता चला है सर कि इस एज ग्रुप में इतने हाई पावर का चश्मा पहनने वाली सिर्फ 16 लड़कियां हैं, और सारी लड़कियां मुंबई की, सिर्फ एक लड़की है जो पुणे की। बहुत अच्छा काम किया तुमने। सर ये उन लड़कियों की लिस्ट है। क्या हुआ सर? हाँ खुश हैं अरुण। अरुण ऐसे लगता है कि फोटो छपने के बाद ही शायद कुछ होगा। मिडे 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 भेजना। सर मिस्टर मनोज जठान, ग्लैड टू सी यू। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर ये इस लड़की को मैंने देखा है, ये एक आदमी के साथ एक कार में थी, और सर उस आदमी को भी मैं अच्छी तरह से पहचान सकता हूँ। सर जठान इस किस्से को काफी सारे दिन हुए, फिर भी आपको याद है? हाँ हाँ सर याद है, बिल्कुल याद है, क्योंकि इस आदमी ने मेरी गाड़ी को डॉच किया था, और अगर गाड़ी ठुक जाती तो 10-12 हज़ार रुपए का खर्चा आता, और ये आदमी उस लड़की को मार भी रहा था। आपने उस वक्त क्यों नहीं रिपोर्ट की? सर वो ऐसा हुआ कि वो उस दिन जो कुछ भी हुआ आप ठीक तरह से मुझे बताएंगे। एग्जैक्टली यस सर। देखा अरुण, द आइडिया वर्क्ड। राइट सर। अरुण अभी भी बहुत कंफ्यूजन है। मतलब जॉनी बैप्टिस्टा को किसी लड़की के साथ मिस्टर मनोज जठार ने देखा। हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें नैना बैनर्जी का नाम है, जो हाई पावर का चश्मा पहनती है। इस लड़की की मौत और अनीता की मौत भी लगभग आसपास हुई है। एक नैना बैनर्जी का फोटो जॉनी बैप्टिस्टा के साथ आता है, जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। अरुण ये एक महज इत्तफाक हो सकता है। अरुण इस केस में कुछ बात है। माइकल तुम यहां इस वक्त कैसे आना हुआ? तुम प्यार करती हो मुझसे?
ये भी कोई पूछने की बात है? ऑफ कोर्स करती हूँ, लेकिन तुम अचानक कहाँ चले गए थे? सवाल मत करो, सिर्फ जवाब दो, प्यार करती हूँ मुझसे? कहाँ ना करती हूँ। कुछ करोगी मेरे लिए? अब तक तो मैं सब कुछ तुम्हारे लिए, आई मीन हमारे लिए ही करती आई हूँ ना। मैंने कुछ सोचा है। हमारे लिए? नो, सिर्फ मेरे लिए। मतलब? मतलब मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि तुम एक थर्ड क्लास गिरी हुई और सेल्फिश लड़की हो, और तुम मुझे कभी भी धोखा दे सकती हो। हाउ डेयर यू, क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हारी पुरानी वो चरस या ड्रग्स लेने की आदत फिर से शुरू हो गई है? और सुनो, मुझे तुम तीनों की कमाई में से चौथा हिस्सा चाहिए, और तुम्हारे बाप के पैसे भी। Now I'm your fourth partner. Understand?